भुवनेश्वर अपोलो हॉस्पिटल अग्निकाण्ड घटनारे मृतक एवं पीड़ितक परिवार कोर्ट जिबे ए पर्यंत क्षतिपूरण न मिलिबा एवं ओलटी हॉस्पिटल कर्तृपक्ष शोषण करबाकु नै कोर्ट जिबाकु स्थिर करिसेंति पीड़ितक संपर्कीय अपोलो हॉस्पिटल अग्निकाण्ड घटनारे तीन जनक जीवन जायतिबा बेले किछि रोगीक अवस्था एबे बि गुरुतर रहिछि। मृतकक मध्ये जने पूर्वतन मंत्री मध्ये थिले। एते बड़ घटना घटिथिले बि समस्ते बेफिकर होइ बसिछन्ति। अपोलो कर्तृपक्ष प्रशासन निज दायित्व जेपरि भूलि जाइछन्ति। केहि मृतक किंबा आहतक परिवारकु आहा पदे कहि नांति। क्षतिपूरण त दूर कथा। हॉस्पिटल कर्तृपक्ष रोगीक ठारु जेतिकि अर्थ नैतिले सेतिकि बि फेरैबा पाई सेमाने जेभली भाबरे नाराज। फेब्रुवारी 1 रे हॉस्पिटल रे अचानक निया लागि जेथिला। पंचम महला रे थिबा आइसु रे निया लागि जेथिला जेउठी गुरुतर रोगी माने चिकित्सित होथिले। रोगीक मध्ये पूर्वतन मंत्री हरिहरण करण बि थिले जेउथिरे तांको जीवन जायथिला। डाक्टरखाना रे अवहेला पाई तांको जीवन गला बोली करणक परिवार अभिजोग करथिले। अधिक सूचना पाई हम सहित जोडी छथि हम प्रतिनिधि नीरज पटनायक। नीरज कोन अधिक सूचना आसुछि? देखंतु अपोलो जो अग्निकाण्ड घटना रे विभिन्न प्रकार कथा सुनिया को मिलुची जे अपोलो हॉस्पिटल रे जो अग्निकाण्ड घटीथिला फेब्रुवारी 1 तारीख दिन सेतिरे केही निया जानी छुनी लगे दैथिबा अभिजोग होइथिला। एवं या को नै जतबे अग्निशम विभाग आरंभ करथिला तदंत सेतबे से कहिथिला जे फायर सेफ्टी रो जो रहिछि कार्यक्रम ठीक रहिछि किंतु ता परवर्ती अवस्था रे जे डीजी अछन्ती फायर डीजी निर्देशक अछन्ती से एहा को एक कमिटी द्वारा जांच कराइथिले। जदि फायर सेफ्टी ठीक थिला ताले पूर्णी कमिटी करी जांच करैबार कोन उद्देश्य रहिथिला। आ सबटु बड कथा होछि जे ठारे अग्निकाण्ड घटीथिला सेही रूम पाखरे एक आईसीयू थिला। प्रथम पांच महला रे जो आईसीयू थिला आईसीयू भितरे जो माने रोगी माने थिले वेंटिलेटर रे थिले ताको भितरु अधिकांश रोगी को आनी बाहरे बहुत दीर्घ समय धरी वेंटिलेटर रो बाहर करी रखिवा द्वारा ये हरिहरण थिले पूर्वतन मंत्री दसपोलार विधायक पूर्वतन विधायक तांकर मृत्यु घटीथिला बोली तांको पुआ सीधा सळक अभियोग करथिले। एवं प्रमोद नामक जने पूर्वतन डीएसपी जी थिले तांकर मध्य मृत्यु एही कारण रु घटीची बोली वेंटिलेटर बाहर करिवा द्वारा घटीची बोली तांकर जने संपर्कीय भाई मध्य अभियोग करिसेंति। जेतेबे आमे सेतेबे कमिशनर सत्यजित महांती घटनार परिदर्शन करथिले डीएसपी अनुप साहू परिदर्शन करथिले एवं सेतेबे कहिथिले जे पुलिस निज आडु ए घटनार जांच करिवो एवं जेतेबे आसीबो रिपोर्ट आसीबो फायर रो कोन कोन पे अभिघान होथिला ता उपरे मध्य तदंत करिवो किंतु परवर्ती समय रे आजि को दीर्घ दिन बीती गलाणी ता उपरे कोनसी पदक्षेप निया जाय नै। सबटु बड कथा होची जो रोगी माने थिले जो रोगी मृत्युवरण कले तांको पाई जो अर्थ डिपोजिट करा जायथिला से अर्थरु मध्य आईसीयू रे रहिथिबा रोगी मानंकर काटि दिया गला 2 लाख टंका काटि दैथिबा रोगी मरिगला पर मध्य एही अग्निकाण्ड कारणरु तांको पैसा फेरी आइ नथला एवं मरिजबा परे रोगी तांको आईसीयू रो चार्ज नबा एहा मध्य समस्याकु बाधिथिला जाहाकु नै एबे रोगीक संपर्कीय माने विभिन्न स्थान रे अभिजोग करिसेंति जेंति कि हरिहर कर्ण सीधा सड़क अभिजोग आनिसेंति तांको पुओ जे बापा जेतोले वेंटिलेटर रे थिले भलो थिले एवं तांको स्वास्थ्य रे उन्नति आसुथिला किंतु जेहेतु अग्निकाण्ड घटिया परे जो धुआं पंच पांच महला रु प्रथम महला पर्यंत आसीथिला रोगी मानकु बाहर कर दिया जायथिला। नियति बाबरे निरोद एते बड घटना घटी गला एवं एही कारण रु तीन जणकर जीवन मध्य गला एवं अनेक वर्तमान सुधा मध्य गुरुतर रहिछंती। एभली क्षेत्र रे अपोलो कर्तृपक्ष काहे कि एभली अणदेखा करिछंती? अपोलो रो कोनसे अधिकारी बा कर्मचारी क सहित आपनकर आलोचना होइछि कि ए संपर्क रे? देखंतु सीईओ को आमे पचारथलो सीईओ जे रहिछंती अपोलो रो से आम कैमेरा आगे किसी कहवाक सीधा सड़क मना कर देते जो जो समय अग्निकाण्ड घटी से समय आम पचारु जे वर्तमान परिस्थिति आग अग्नि किभली निर्वापक हम से आम दृष्टि देचु विभिन्न हॉस्पिटल को जो घर मेडिकल अच्छी पाखाख चारोटी मेडिकल को अंध रोगी मान बहु समय पर स्थानातर कर तेणु ताकु नहींक से किसी मुह खोल ना सीओ एवं कैमेरा आगे किसी कहवाक सीधा सड़क मना कर तेणु निश्चित भाव कौटि ना कौटि जो निया अग्निकाण्ड घटला से त्रुटि कौन सी रही जहाँफल अग्निकाण्ड घटला एवं जो कहते बर्तमान शुणा जो मेसीन रूम थी मेसीन रूम्र जो बैटेरी
ব্যাটারি ভিতরে নিয়া লাগিছিল কিন্তু যে মানে ফায়ার অধিকারী যা আসবা পূর্বর সে ঘরক আম পাখে লা ভিজুয়াল লা কর্মচারী মানে সিধা সড়ক তাকে ধুয়া ধুই করে দিয়েছিলেন কর্মচারী মানুষ কাছে কর্মচারী মানে কী সে রুম কু ধুয়া ধুই কলে এবং সফা সুতরা কলে অগ্নিশম কর্মচারী মানে আসলা বেড়ে কোটি ফল্ট লা সে কথা বাহার কলে কি না এবং যে কমিটি বর্তমান অগ্নিশম বিভাগ তৈরি করে অগ্নিশম নির্দেশক সে তাঁর রিপোর্ট কী আজ পর্যন্ত দেই না তাকে মধ্যে প্রশ্নবাচী সৃষ্টি হয়েছি তেমন সময় গড়া পরে যদি সেমানে এইভাবে ভাবে কথা হালকা ভাবে নিয়ন্তি এবং আপল কর্তৃপক্ষ ঘট ঘড়াইয়া পাই এই যেভাবে কার্য করা যাচ্ছে বলে সাধারণের অভিযোগ হয়েছে। বহুত বহুত ধন্যবাদ নীরদ আপনার সমস্ত সূচনা পাই প্রতিনিধি নীরদ পট্টনায়ক যে কি প্রসঙ্গে অধিক সূচনা দেউথিলে।